हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट एनसीईआरटी बायोलॉजी। आज हम लोग एनटीए के टेस्ट नंबर 53 को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो क्विक रिवीजन के लिए है और सारे वीडियोज के आपको जो भी एनटीए के टेस्ट पेपर हैं वो आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप लोग चेक कर सकते हैं। चलिए हम लोग बायोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, द आर्टरीज डिफर फ्रॉम वेन्स इन हैविंग। ठीक है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या है कि वेन्स क्या करता है, कंसिस्ट ऑफ थ्री डिस्टिंक्ट लेयर। वेन्स में तीन डिस्टिंक्ट लेयर होता है विच आर थीन एंड कोलेक्सेबल, वेयर एज आर्टरी कंसिस्ट ऑफ थ्री डिस्टिंक्ट लेयर विच आर रिजिड थीकर एंड हायर हाईली मस्कुलर। ठीक है, आप समझ गए ये चीज़ को। आगे देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। ठीक है, तो पहला नंबर क्या बोल रहा है, ब्लू ग्रीन एल्गी इज प्रोकैरियोटिक ऑर्गन, प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोटिक है, तो आपका हाँ प्रोकैरियोटिक है, इनकरेक्ट बताना है ना। तो WBC इज अमीबॉइड इन शेप, WBC अमीबॉइड शेप का होता है। ठीक है, फिर थर्ड नंबर बोल रहा है माइकोप्लाज्मा इज लार्जेस्ट सेल, नहीं लार्जेस्ट सेल नहीं है, स्मॉलेस्ट सेल होता है प्रोकैरियोटिक में। ठीक है, फिर आपका फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है, माइक्रोबॉडीज आर सेल ऑर्गेनल्स, तो सेल ऑर्गेनल्स माइक्रोबॉडी तो होता ही है। फिर प्रोकैरियोट डज नॉट एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप, तो ये जो है प्रोकैरियोट वाइड वैरायटी ऑफ शेप को एग्जिबिट करता है, यानी कि आंसर इसका 3 और 5 हो जाएगा। फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ACC अबाउट द ह्यूमन हार्ट के बारे में आपको बताना है। तो इसमें क्या कह रहा है कि SA नोड इज स्पेशलाइज्ड मास ऑफ कार्डिक टिश्यू प्रेजेंट इन लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट आर्ट्रियम क्लोज टू AV नोड। फिर सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, बॉडी हैज एबिलिटी टू अल्टर द हीट हार्ट रेट कार्डिक आउटपुट बट नॉट स्ट्रोक वॉल्यूम को नहीं कर सकता है बॉडी आपको अल्टर। फिर थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, द एंड ऑफ टी वेव इज ECG मार्क्स, एंड ऑफ टी वेव इन ECG मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल। हाउ मेनी स्टेटमेंट इसमें आपका करेक्ट है, तो इसमें दो स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। AV नोड जो है स्पेशलाइज्ड मास ऑफ कार्डिक टिश्यू है जो कि लोअर लेफ्ट कॉर्नर में प्रेजेंट होता है और राइट आर्ट्रियम के, और AV नोड ये क्लोज किसके होता है, AV सेप्टम के क्लोज होता है। और बॉडी में क्या होता है, द बॉडी हैज एबिलिटी टू स्ट्रोक, आपका स्ट्रोक वॉल्यूम को चेंज कर सकता है लेकिन आपको हार्ट रेट को भी चेंज कर सकता है लेकिन कार्डिक आउटपुट को चेंज नहीं कर सकता। तो ये चीज़ आप समझिए, दो ऑप्शन इसमें सही है। फिर बोल रहा है जॉर्ज पैलेडे ऑब्जर्व ग्रैनुलर स्ट्रक्चर अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विच इज कम्पोज ऑफ, तो वो RNA और प्रोटीन को उसमें रहता था। फिर फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सिलेक्ट नॉट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मतलब कि नहीं जो इनकरेक्ट, मतलब कि करेक्ट स्टेटमेंट आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो आपका क्या क्या है, डिप्लोटिन स्टेज इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय डिजोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ये बिल्कुल सही है। फिर रिकम्बिनेशन नोड्यूल कंटेन रिकम्बिनेज, नहीं ये गलत है आपका। थर्ड क्या बोल रहा है, इन NFS सेकंड सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम ऑकर, तो होमोलोगस क्रोमोजोम का सेपरेशन होता है। ठीक है, फिर फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है, इंटरकाइनेसिस इज जनरली शॉर्ट लिव्ड, तो शॉर्ट लिव्ड इंटरकाइनेसिस क्या होता है, नहीं लॉन्ग लिव्ड होता है, इंटरकाइनेसिस ज़्यादा दिन तक भी हो सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच आर ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेफ्रॉन ऑफ किडनी, तो ये क्या कह रहा है, पहला ही ऑप्शन देखिए इसमें गलत है। इसमें क्या कह रहा है, दे आर स्मॉल साइज्ड लेस क्वाइल्ड विथ मेजर पार्ट ऑफ पार्ट एट द जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला, ये आपका गलत है। दे हैव शॉर्ट लेंथ ऑफ लूप, हेनले लूप का शॉर्ट लेंथ होता है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, दे आर हैव नॉट दे डू नॉट हैव मेजर रोल फ्रॉम काउंटर करेंट मैकेनिज्म, ये भी आपका है। फिर दे हैव नो और हाईली रिड्यूस्ड वासा रेक्टा, ये भी आपका सही है। फिर सेवेंथ नंबर क्वेश्चन देखिए, एवरी क्रोमोजोम इसेंशियली हैज अ प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन और द डैश ऑन द साइड ऑफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंट्रोमियर ऑन द साइड ऑफ द डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर जिसको कि काइनेटोर बोलते हैं। ठीक है, एट नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, ट्रिप्सिनोजेन इज एक्टिवेटेड इनटू ट्रिप्सिन बाय एन एंजाइम, तो ये इंटेरोकाइनेज के प्रेजेंस में आपको एक्टिवेट होता है और सिक्रेटेड बाई, कहाँ से सिक्रेट होगा, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से आपको सिक्रेट होता है। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, सेल डिवाइडेड व्हेन इट्स कैरियो साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स या कैरियो प्लाज्मिक इंडेक्स
कब डिवाइड करेगा, तो कैरियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स या कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो है आपका डिक्रीज करेगा, ठीक है, एक तरह से न्यूक्लियस से रिलेटेड वो चीज़ है, ठीक है ना। फिर 10th नंबर क्वेश्चन देखें तो फिफ्थ वर्टी थोरासिक वर्टिब्रा इज, तो फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्रा क्या है, सेम लेवल एज द एक्सटर्नल एंगल। 11th नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ऑब्जर्व द एंड आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर, तो ये आपका क्या है, इस स्ट्रक्चर को देखिए, तो ये एक्चुअली में ब्लू ब्लू एल्गी का आपका ये स्ट्रक्चर है। कैसे आप पहचान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ये लिपिड ड्रॉपलेट तो है ही है, और यहाँ पे क्या है फाइकोबिलिसोम्स है या फिर साइनोसोम्स, ये इससे आप पहचान सकते हैं इसको, ठीक है। फिर 12th नंबर क्वेश्चन को देखिए, व्हाट इज नंबर ऑफ कार्बन एटम विथ द पाल्मेटिक एसिड एंड एरेक्नोडाइक एसिड कंटेन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल, ये कार्बन, तो इसमें क्या हो जाए 16 और 20 होता है, ठीक है। आइडेंटिफाई द लेबलिंग 1, 2, 3 इन द हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व के बारे में आपको पूछ रहा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपको देखिए पहला क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है बाइंडिंग ऑफ फर्स्ट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डिफिकल्ट टू बाइंड, यहाँ पे जो है ये बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होगा इनिशियली स्टेज में। दूसरा में क्या होगा, दूसरा में आपका जो है बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इजी टू बाइंड, पहले जो है डिफिकल्ट टू बाइंड होता है, और फिर जो है जैसे ये टाइम इंक्रीज करेगा तो ये इजी टू बाइंड हो जाएगा, और फिर लास्ट में जो आपका थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि बाइंडिंग ऑफ थर्ड मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ये जो है वेरी डिफिकल्ट टू बाइंड, मतलब ये थर्ड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है ज़्यादा डिफिकल्ट होता है बाइंड करने के लिए। फिर देखिए 14th नंबर क्वेश्चन देखिए, इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन लेफ्ट एंड क्या रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट एमिनो एसिड और एंड टर्मिनल को, एंड टर्मिनल ऑफ एमिनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है। 15th नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग कनोकेशंस आर नॉट ट्रू अबाउट द स्पेशल क्रिएशन थ्योरी ऑफ द ऑरिजिन ऑफ लाइफ, तो ये क्या कह रहा है, देयर हैज बीन ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म, ठीक है। फिर 16th नंबर क्वेश्चन देखिए, थ्री ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम आर करेक्ट एंड वन इज रॉन्ग, रॉन्ग ऑप्शन आपको चूज करना है, तो रॉन्ग क्या है इसमें, पहला देखिए क्या कर रहा है, हायर टेम्परेचर डिस्ट्रॉय एंजाइमेटिक एक्टिविटी बिकॉज प्रोटीन आर डीनेचर्ड बाई हीट, ये बिल्कुल सही है, एंजाइम आर डीनेचर्ड एट हाई टेम्परेचर बट इन सर्टेन एक्सेप्शनल ऑर्गेनिज्म दे आर इफेक्टिव इवन एट टेम्परेचर फ्रॉम 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी आपका सही है, एंजाइम लोअर देन द एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी एंड हास्टन द एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, ये भी आपका सही है। फिर डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, मोस्ट ऑफ द एंजाइम आर एक्टिव इंट्रासेलुलर ओनली एंड गेट इनएक्टिव अंडर एक्स्ट्रासेलुलर कंडीशन, ये आपका जो है गलत है, मोस्ट ऑफ नहीं होता है। फिर ये 17th नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द करेक्ट मैच इन द फॉलोइंग, तो करेक्ट ये फर्स्ट ही आपका करेक्ट दिख रहा है इसमें, वायरस आर स्मॉलर इन ये साइज रेंजिंग फ्रॉम 20 से लेकर के 400 नैनोमीटर एंड बैक्टीरिया जो है साइज कहाँ तक होता है, 1000 नैनोमीटर तक इसका होता है। 18th नंबर क्वेश्चन को देखिए, विच द फॉलोइंग प्लांट सेल शो टोटिपोटेंसी, तो मेरिस्टेम जो है आपका टोटिपोटेंसी शो करेगा, और जाइगोट भी कर सकता है और स्पोर्ट्स भी जो है कर सकता है। फिर देखिए 19th नंबर क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग प्लेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बर्ड डाइवर्सिटी, तो सबसे ज्यादा बर्ड डाइवर्सिटी कहाँ की है, देखिए सबसे ज्यादा बर्ड डाइवर्सिटी कोलंबिया की हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद फिर उससे कम किसका है, इंडिया की, उससे कम किसका है, न्यूयॉर्क की, और सबसे कम जो है आपका ग्रीनलैंड का है, ठीक है। फिर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैच द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट विद द कॉलम सेकंड, ये आपको बताना है, तो ये पहला मतलब होमो हैबिलिस, तो होमो हैबिलिस क्या है, फर्स्ट ह्यूमन लाइक बिंग होमिनिड, तो ये होमो हैबिलिस का कैरेक्टर है। सेकंड जो होमो इरेक्टस, और होमो इरेक्टस में क्या था कि ब्रेन का साइज अप्रॉक्सीमेटली 900 क्रेनियल कैपेसिटी का था। फिर नियंडरथल मैंथ की अगर बात की जाए तो ये क्या है, बॉडी देयर डेड विथ फ्लावर। फिर अगर क्रोमैगनन की बात की जाए तो एक्सेलेंट केव पेंटिंग जो है क्रोमैगनन का कैरेक्टर था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। विच ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक ट्रू सिलोमेट विथ ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, तो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम जो कॉकरोच में पाया जाता है, लीच में आपको पाया जाता है, और पाइला में भी पाया जाता है, ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रख सकते हैं।
फिर देखिए 22 नंबर क्वेश्चन को देखिए, व्हाट क्रॉसेस लीड टू प्रोडक्शन ऑफ म्यूल। तो म्यूल जो है फीमेल डंकी और मेल हॉर्स इसमें था, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है नीट में भी। फिर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट साइक्लोस्टोमाटा। साइक्लोस्टोमाटा के बारे में बोल रहा है, क्या इसमें करेक्ट है? तो क्या इसमें करेक्ट है? दे हैव अ सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ। तो ये साइक्लोस्टोमाटा का आपको कैरेक्टर है। फिर देखिए 24 नंबर क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रॉडली यूटिलाइज यूटिलिरियंस रीजन फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ब्रॉडली यूटिलिरियन रीजन आपको पूछ रहा है, तो ह्यूमन ड्राइव डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम नेचर, ये आपका नहीं होगा। मेनी ड्रग एंड आर डिराइव फ्रॉम प्लांट। फिर थर्ड क्या बोल रहा है, मेडिसिनली यूजफुल प्लांट आर प्रेजेंट इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। सारा ऐसा तो नहीं होता है, और भी फॉरेस्ट में पाए जा सकते हैं। फिर डी क्या बोल रहा है, मैनी इंसेक्ट पॉलिनेट द प्लांट। तो ये इंसेक्ट जो है पॉलिनेशन तो करता ही है, ये आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, विच ऑफ फॉलोइंग कंट्रासेप्टिव मेथड हैज हाई रेट ऑफ फेलवर। तो अगर पीरियोडिक एबडिस्टेंस अगर यूज किया जाए तो इसमें जो है हाई रिस्क ऑफ फेलवर आपका होता है। उसके बाद क्वाइटस इंटरप्टस मेथड और लैक्टेशन एमोनोरिया को भी कंसीडर हम लोग कर सकते हैं। फिर 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच मेटल इन एक्टिवेट अ कैटालिटिक कन्वर्टर। तो लीड जो है एक ऐसा मेटल है जो कि कैटालिटिक कन्वर्टर को क्या करेगा, इनएक्टिवेट करेगा। फिर देखिए ये आपका दिखा रहा है इस डायग्राम में, देखिए ये क्या कर रहा है। तो यहाँ पे जो है आपको ब्लास्टोमियर इज ट्रांसफर्ड टू द यूटरस फॉर फर्दर डेवलपमेंट ऑफ बेबी। यहाँ पे ब्लास्टोमियर को यूटरस में ट्रांसफर किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए यूटराइन वाल है, तो यहाँ यूटरस में जो है आपको ट्रांसफर किया जा रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, हाउ मेनी फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो इसमें पहला क्या बोल रहा है कि गुड ओजोन इज फाउंड इन स्ट्रेटोस्फीयर। फिर बोल रहा है यूवी रेडिएशन हैव अ लोअर वेवलेंथ देन यूवीबी इन ऑलमोस्ट कम्प्लीटली एब्जॉर्ब बाई अर्थ एटमोसफेयर। फिर यूवीबी काउज स्नो ब्लाइंडनेस एंड कैटरेट करता ही है। डीबी इज यूनिट ऑफ मेकिंग द थिकनेस ऑफ ओजोन। नहीं, डीबी मतलब डेसीबेल आपका होता है, तो ये जो है आपका डॉप्सन यूनिट होता है। तो डॉप्सन यूनिट से आपका क्या हो जाएगा, डॉप्सन यूनिट से देखिए आपका क्या बोल रहा है, डॉप्सन यूनिट एंड डीबी इज नोन एज ये डेसीबेल इज यूज टू मेजर एट ये अमाउंट ऑफ एकोस्टिशंस। तो ये आपका एक तरह से साउंड को मेजर करने के लिए किया जाता है, तो ये ऑप्शन गलत है, या बाकी आपका थ्री जो है सही है। फिर 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंडर द फेवरेबल कंडीशन स्टोमेटिक सेल स्टोर्ड ये फूड मटेरियल विच बिकम थीक वॉल्ड स्ट्रक्चर एंड आर कॉल्ड एज, तो एकेनाइट्स हम लोग बोल सकते हैं उसको। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, रिड्यूसिंग शुगर आर, तो रिड्यूसिंग शुगर में क्या क्या हो जाएगा, ग्लूकोज फ्रुक्टोज माल्टोज ग्लैक्टोज और लैक्टोज आपका रिड्यूसिंग शुगर में आ जाएगा। फिर 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, द फॉलोइंग ग्राफ शो रेंज ऑफ वेरिएशन अमंग पॉपुलेशन मेंबर्स फॉर ट्रेट डिटरमाइंड बाई मल्टीपल जीन। ठीक है, तो ये आप देखिए यहाँ पे क्या है, पीक गेट हायर एंड नैरो। तो यहाँ जो है पीक गेट हायर भी हो सकता है और नैरो भी हो सकता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगर इफ़ ए पॉपुलेशन इज सब्जेक्टेड टू स्टेबलाइजिंग सेलेक्शन फॉर सेवरल जनरेशन विच इज डिस्ट्रीब्यूशन विच ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज मोस्ट लाइकली टू रिजल्ट। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन को देखें, ऑल द इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज ड्यू टू। तो क्यों होता है, क्योंकि निगेटिव फीडबैक जाता है वहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन के कारण से, तो ये क्या करता है कि मेंस्ट्रुएशन को रोक देता है, तो ये चीज़ आप लोग समझ सकते हैं। फिर 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन मैनी जूप्लैंकटन स्पीसीज इन लेक एंड पॉन्ड आर नोन टू इंटर डायापाउज स्टेज में आपका चला जाता है। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, रीड द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो, और आपको बताना है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द एबव। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फिटस एंड अपियरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग फिफ्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, ये बिल्कुल आपका सही है। फिर सेकेंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड द मैटरनल बॉडी इज नोन एज अम्बिलिकल कॉर्ड, ये आपका गलत हो जाएगा। एट प्यूबर्टी फीमेल ये बोथ ओवरी कंटेन 60,000 से लेकर के 80,000 प्राइमरी फॉलिकल, ये भी आपका गलत है। तो सही क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। तो ये प्राइमरी फॉल ये क्या होता है, प्यूबर्टी में फीमेल ओवरी कंटेन अबाउट 60,000 से 80,000 आपका प्राइमरी फॉलिकल।
एक ओवरी कंटेन करता है, दोनों ओवरी कंटेन नहीं करता है, बोथ ओवरी कंटेन करता है, सॉरी दोनों ओवरी अलग अलग जो है 60,000 से 80,000 कंटेन करेगा। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ईच ओवरी बोल रहा है और यहाँ पे बोथ ओवरी बोल रहा है, ठीक है, तो ये यहाँ से गलत हो जाएगा। फिर 35 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, अ प्लेस विच यूज टू बी रॉकी एंड बैरन हैज नाउ टर्न्ड इनटू लस ग्रीन फॉरेस्ट, द प्लांट सक्सेशन फॉर द एरिया इज, तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, लाइकेन हो जाएगा, मॉस हो जाएगा, हर्ब हो जाएगा, सर्ब हो जाएगा। फिर 36 नंबर क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डज नॉट शो होमोलॉगी बिटवीन मेल एंड फीमेल, तो स्क्रॉटम और लीबिया मेजोरा की बात की जाए तो ये होमोलॉगी शो नहीं करता है। इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम द शेप ऑफ द पिरामिड ऑफ नंबर इज, तो ये पिरामिड ऑफ नंबर जो है आपका अपराइट होगा। 38 नंबर क्वेश्चन दे रहे, मैन इज सफरिंग फ्रॉम द सीवियर डिजीज विच इंक्लूड सिम्टम लाइक चिल, फीवर, कफ, वन क्लोज इंसेप्शन इज, इट इज फाउंड इन फिंगर नेल हैव टर्न ब्लू, एन एक्सरे ऑफ हिज लंग शो द एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन देम, और फिर क्या बोल रहा है, विच आर फॉलोइंग पैथोजन कैरेक्टरिस्टिक रीजन, तो ये हो जाए हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के कारण से और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई जो कि निमोनिया आपको रिस्पॉन्सिबल है, तो निमोनिया में ही आपका जो है नाखून वगैरह ब्लू हो जाता है। फिर आपको देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसीडरिंग फूड चेन, तो आपका बताइए क्या इसमें क्या बोल रहा है कि रिमूवल ऑफ 80% टाइगर फ्रॉम द एरिया रिजल्ट इन ग्रेटली इंक्रीज ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, ये आपका गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम विद अ डियर फॉर्मिंग प्राइमरी कंज्यूमर, रिमूवल ऑफ मोस्ट ऑफ द कार्निवोर रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डियर, ये तो आपका सही हो जाएगा। लेंथ ऑफ द फूड चेन इज जनरली लिमिटेड टू 3 से 4 ट्रॉपिक लेवल तक ही लिमिटेड होता है, क्योंकि एनर्जी लॉस जो है आपका होता है उसके कारण से लिमिटेड होता है। द लेंथ ऑफ द फूड चेन मे वेरी फ्रॉम 2 से 8 ट्रॉपिक लेवल तक वेरी कर सकता है। फिर आपका देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंसंट्रेशन, तो डिक्रीजिंग ऑफ कंसंट्रेशन जो है गामडे आप लोग याद करें, GAMDE, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा G हो जाएगा, उसके बाद A, उसके बाद M, उसके बाद D, उसके बाद E, ठीक है। फिर 41 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, सॉलेंट प्लासेंटा विच मे विथ मैनी ओव्यूल इन प्रेजेंट इन, तो ये चिली में आपको प्रेजेंट होता है। 42 नंबर क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग फाइंड द नंबर ऑफ द करेक्ट मैच इन द फॉलोइंग, तो नंबर ऑफ करेक्ट मैच आपको बताना है। क्या कह रहा है कि कैंसर डज नॉट, कैंसर में क्या है, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस डिजीज, ठीक है। फिर सेकंड नंबर बोल रहा है कोकीन कॉल्ड कोक या क्रैक इज यूजुअली स्नॉटेड, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, चार आज फिर बोल रहा है इसमें ब्लाइंड टू कैनाबिनॉइड्स रिसेप्टर ऑफ CNS एंड GI ट्रैक्ट, ये तो आपका सही नहीं लग रहा है। फिर आपका देखिए क्या बोल रहा है कि स्मोकिंग काउज कैंसर ऑफ यूरिनरी ब्लाडर कैंसर तो नहीं काउज करा सकते, हेपेटाइटिस भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, यानी कि तीन ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है। फिर 43 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, विच द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू पार्ट ऑफ फ्लावरिंग एंड इट्स फंक्शन, तो नॉट करेक्ट बोल रहा है, तो इसमें जो है आपका स्टामिनोट प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन, ये आपका इनकरेक्ट है। 44 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि द 4 स्केचेज ABCD गिवन बिलो रिप्रेजेंट 4 डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू, विच आर द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाई द ऑप्शन गिवन एलॉन्ग विथ इट्स ये करेक्ट लोकेशन एंड फंक्शन, तो यहाँ पे देखिए ए में क्या बोल रहा है कि ए में ये देखिए, तो ए में क्या बोल रहा है, ये ग्लैंडुलर एपिथीलियम का आपको ये लग रहा है, ये फोटो लग रहा है, ठीक है। और इसमें क्या है, लोकेशन जो है इसका इंटेस्टाइन हो जाएगा और फंक्शन क्या हो जाएगा, सीक्रीशन एक तरह से इसका फंक्शन हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर, तो इनकरेक्ट पेयर की अगर बात की जाए तो इसमें क्या बोल रहा है, इंडिगो फेरा सेपल 5 गैमोसेपलस और ये कोरोला वैक्सिलरी एस्टिवेशन, ये आपका गलत हो जाए, ये आपका सही हो जाएगा। फिर ब्रिंजल जो है सेपल 5 यूनाइटेड परसिस्टेंट वाल्वेट एस्टिवेशन, ये आपका सही है। फिर आपका क्या बोल रहा है, एस्पैरागस सेपल 3 ऑफन यूनाइटेड इंटू ट्यूब, ये आपका जो है गलत हो जाए, वाल्वेट एस्टिवेशन इसमें नहीं होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं
लिलियशी फैमिली का लगभग वो आता है। 46 नंबर क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग ग्लैंड या स्ट्रक्चर डज नॉट पार्टिसिपेट इन एक्सक्रीशन इन पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना। तो ये फैलिक ग्लैंड जो है एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, बाकी सारा का सारा करता है। 47 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, क्या बोल रहा है मैथ द फॉलोइंग कॉलम, तो इसमें क्या बोल रहा है कि मार्जिनल, तो मार्जिनल किस में हो जाए, पी में हो जाएगा। फिर अगर पेराइटल की बात की जाए तो मास्टर आर्जीमोन में हो जाएगा। एग्जाइल की बात की जाए तो ये आपका जो है चाइना रोज टमाटो और लेमन में एग्जाइल हो जाएगा। फिर फ्री सेंटर की बात की जाए तो ये आपको प्रिमरोज और डायंथस में हो जाएगा। और बेसल की बात की जाए तो ये जो है सनफ्लावर और मैरीगोल्ड में आपका बेसल प्लांटेशन होता है। फिर 48 नंबर क्वेश्चन को देखें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ये मायोफाइबर इज नोन एज सार्कोलिमा, ठीक है। फिर 49 नंबर क्वेश्चन को देखिए, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज ऑब्जर्व इन, तो ये किस में ऑब्जर्व होता है आपका ब्रायोफाइटा में तो होगा ही होगा, और आपका टेरिडोफाइटा में भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल प्रेजेंट होता है। फिर 50 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, रीड द स्टेटमेंट ए से डी, और इसमें बताना है कि फॉल्स ये कितना है। क्या कह रहा है कि सुचर ज्वाइंट इज अ टाइप ऑफ फाइबरस ज्वाइंट बिटवीन क्रेनियल बोन। फिर सेकंड नंबर क्या बोल रहा है, माइस्थीनिया ग्रेविस इज ऑटो इम्यून डिजॉर्डर, ये तो आपका सही है। टेटनस रिजल्ट इन रैपिड स्पाज्म वाइल्ड कंट्रैक्शन इन नर्व, नर्व में आपका जो है वाइल्ड कंट्रैक्शन नहीं होता है, तो ये आपका गलत लग रहा है, ठीक है, पहला भी सही है। फिर एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल ज्वाइंट कॉल गाउट, ये भी आपका सही है, यानी कि एक ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है, मसल्स में रैपिड स्पैज्म होता है। 51 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, एट द स्टेज ऑफ जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल द एक्सोलिमा क्या करता है, ये पॉजिटिव हो जाता है आउटसाइड से। 52 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, और इनकरेक्ट इसमें बताना है, तो ये क्या है, डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म इज, ये आपका गैमेटोफाइट हो जाएगा। फिर 53 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें क्या है, इफरेंट न्यूरॉन कैरी इम्पल्स फॉर्म CNS टू पेरिफेरल टिश्यू, ये आपका सही है। ग्रैनुलर बॉडी आर फाउंड इन साइटोन्स ऑफ न्यूरॉन, ये भी आपका सही है। यूनिपोलर न्यूरॉन हैज ओनली वन डेंड्राइट, यूनिपोलर न्यूरॉन में जो है ओनली वन डेंड्राइट नहीं होगा, मतलब यहाँ पे देखिए यूनिपोलर न्यूरॉन की अगर बात की जाए तो जीरो डेंड्राइट इसमें होता है, और एक्सॉन जो है एक होता है, तो डेंड्राइट प्लस एक्सॉन जो है लगभग एक ही होगा। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये पाया जाता है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। फिर 54 नंबर क्वेश्चन को देखिए, फैमिली सोलानेसी एंड कॉनवोलुकेशी बिलोंग टू द ऑर्डर, तो ये पॉलीमोनियसिस से बिलोंग करता है। फिर 55 नंबर क्वेश्चन को देखें, विच ऑफ फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन किडनी, तो ADH इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मिनरी इसको वैसे प्रिसिन भी बोलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिस्पायरेशन इज यूज एज प्रिकर्सर फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल इन द सेल, दस रिस्पायरेशन इज, तो एम्फीबोलिक रिस्पायरेशन आपको, एम्फीबोलिक प्रोसेस आपका होता है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच आपको बताना है, तो एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को करता है। फिर पाराथायरॉयड हार्मोन जो है 4 इन नंबर होता है, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म जो है क्रेटिनिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और आप थाइमोसिन की बात की जाए तो ये स्टेरॉयड हार्मोन नहीं है, ठीक है, पेप्टाइड हार्मोन एक तरह से है। 58 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड विल वी प्रोड्यूस इफ टू मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज इन एरोबिक रिस्पिरेशन, तो ये 4 मॉलिक्यूल जो है प्रोड्यूस करेगा। फिर 59 नंबर क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट ऑल बेनिफिशियल एलिमेंट, तो सोडियम हो जाए, सिलिकन हो जाए, कोबाल्ट हो जाएगा, और सिलेनियम आपका हो जाएगा, सारा का सारा इसमें एसेंशियल है। 60 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो क्या कह रहा है कि करेक्ट इसमें क्या है, तो इसमें आप देखिएगा कि इंसुलिन इज पेप्टाइड हार्मोन प्रेजेंट इन पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस में तो आपको इंसुलिन नहीं पाया जाता है। पाराथार्मोन एंड कैल्सिटोटिन एंटागोनिस्टिक, ये आपका एंटागोनिस्टिक होता है। फिर आपका देखिए जोना ग्रोमुलोसा इज फॉर्म इनर, ये इनर लेयर ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स, तो इनर लेयर नहीं बनाता है, आउटर लेयर बनाता है, तो आपका क्या हो जाएगा कि एक सही हो जाएगा, पाराथार्मोन वाला। फिर 61 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, स्टोमेटा विच ओपन अप इन ये नाइट एंड रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द डे, तो ये कैम्प्लांट में आपको जो है पाया जाएगा। क्लोरोफिल ए इज प्रेजेंट एब्सेंट इन विच द फॉलोइंग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, तो बैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए एब्सेंट होता है। फिर 63 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, ड्यूरिंग फोटो रिस्पायरेशन द ऑर्गेनिज्म कंज्यूमिंग रिएक्शन ऑकर इन,
तो ऑक्सीजन कंज्यूमिंग रिएक्शन किस में होगा, तो स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड पेरिक्सिस्टोम में आपको होता है। 64 नंबर क्वेश्चन को देखें, विच ऑफ फॉलोइंग ये प्लांट ए हार्मोन इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद इट्स फंक्शन, तो जिब्लेरिक एसिड जो है आपका लीफ फॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, ए बी आपका लीफ फॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। 65 नंबर क्वेश्चन को देखें, टर्म यूज फॉर परमानेंट सेल डैट हैव री ऑबटेन मेरिस्टेमेटिक प्रॉपर्टी टू ये परफॉर्म सेल डिवीजन इज, तो ये डी डिफ्रेंसिएशन जो है आपका मेनली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, डी डिफ्रेंसिएशन का फेनोमिना। फिर 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, थैलाकॉइड बॉडी ऑफ स्लाइम मोल्ड इज नोन एज, तो उसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मोडियम हम लोग बोलते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म नॉट एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट, तो ई कोलाई जो है यूनिसेलुलर यूकैरियोट नहीं है, एक तरह से प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है आपका। फिर 68 नंबर क्वेश्चन को देखें, द फंजाई विच आर यूज टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट विच इज आल्सो द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ टीसीए साइकिल बिलोंग टू, तो ये किससे बिलोंग करेगा आपको, आस्कोमाइसिटिस से आपको बिलोंग करेगा। फिर 69 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, बैक्टीरियल जीनोम कंसिस्ट ऑफ, तो बैक्टीरियल जीनोम में क्या होगा, डीएनए विदाउट हिस्टोन प्रोटीन आपका बैक्टीरियल जीनोम में पाया जाता है। 70 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ये मैच्ड पेयर, तो इसमें क्या बोल रहा है, एलानिन ए सी सी ए सी यू और ए ए ए सी ए और ए सी जी आपको जो है एलानिन के लिए कोड करता है, ए कोड नहीं करता है, तो एलानिन के लिए कोड कौन करता है, जी सी सी जी सी यू जी सी ए और जी सी जी जो है एलानिन के लिए कोड करता है। फिर देखिए यू टी आर आपका क्या बोल रहा है, आर अनट्रांसलेटेड रीजन प्रेजेंट इन, तो ये यू टी आर कहाँ प्रेजेंट होगा, एम आर एन ए में आपका प्रेजेंट होगा। 72 नंबर क्वेश्चन को देखिए, हर्सेन चेजे एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली प्रूव डी एन ए टू बी जेनेटिक मटेरियल, द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ स्टेप ये फॉलोड इन एक्सपेरिमेंट जो है, सबसे पहले क्या था, इन्फेक्शन ब्लेंडिंग और उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन। फिर 73 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच, तो इनकरेक्ट इसमें क्या है आपका, हाइड्रा जो है, हाइड्रा में गैम्यूल्स जो है आपका प्रेजेंट नहीं होता है, ये एक्जोजीनस बर्ड्स जो है आपको हाइड्रा में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक्जोजीनस बर्ड्स उसमें प्रेजेंट होता है, गैम्यूल्स स्पॉन्जेज में प्रेजेंट होते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, टू विच और द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द फ्लावर द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट ऑफ स्टेमेन इज अटैच्ड, तो ये थैलेमस ऑफ पेटल आपका आंसर हो जाएगा। फिर 75 नंबर क्वेश्चन को देखिए, मास ऑफ सेल इनक्लोज विथिन द इंटेगमेंट इन ओव्यूल इज नोन एज, तो इसको न्यूसेलस हम लोग बोलते हैं, ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन फ्लावरिंग प्लांट, तो ये जो है क्या हो जाएगा, इंडोस्पर्म हो जाएगा, इंडोस्पर्म डेवलप बिफोर इम्ब्रियो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो रॉन्ग की अगर बात की जाए तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन क्या बोल रहा है, पॉलन ग्रेन इन सम प्लांट रिमेन वायबल फॉर मंथ, ये हो सकता है, टेपेटम न्यूरिस द डेवलपिंग पॉलन, ये भी आपका सही है, वेजिटेटिव सेल इज लार्जर देन जेनरेटिव सेल, ये भी आपका सही है। फिर PEN इज प्रोड्यूस्ड बाई फ्यूजन ऑफ टू पोलर न्यूक्लियाई, तो ये आपका जो है गलत है। 78 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द प्लांट शो इंटेमोफिली, तो इंटेमोफिली जो है यूका फिकस और सेल्विया में आपका दिख सकता है, ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, द करेक्ट ऑप्शन विथ रिगार्डिंग द ए एंड बी, तो क्या बोल रहा है, ए क्या बोल रहा है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एल ए बी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड, तो ये आपका बिल्कुल सही है। फिर सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, एल ए बी क्रिएट एसिड मैकेनिज्म एसिड मीडियम नेसेसरी टू कोगुलेट एंड फुल्ली डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन, ये आपका जो है गलत हो जाएगा। फिर 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेंडल सेलेक्टेड डैश फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, तो ये 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट को सेलेक्ट किया था, प्री प्लांट के वेराइटी को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। 81 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस वाज, तो इसका रीजंस क्या था कि हिज एक्सपेरिमेंट हैज लार्ज सैम्पलिंग साइज, बहुत ज़्यादा वो सैम्पलिंग साइज था उसके एक्सपेरिमेंट का, दस ग्रेटर क्रेडिबिलिटी टू डाटा कलेक्टेड, मतलब कि अच्छा से डाटा वो कोई कलेक्ट कर सकते थे। फिर सेकंड ऑप्शन क्या है कि यूज ऑफ स्टैटिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक वो उन्होंने यूज किया था। और देखिए थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, कंसिडर्ड मैनी कैरेक्टर एट द सेम टाइम, मैनी कैरेक्टर एक टाइम पर कंसिडर नहीं किए थे, ठीक है। रिजल्ट आर कन्फर्म्ड ऑन सक्सेसिव जनरेशन ऑफ टेस्ट प्लांट, तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है।
फिर ये डॉर्सोफिला मेलानोगास्टर जीनोम कंसिस्ट ऑफ, तो इसमें क्या होता है, तीन पेयर ऑफ ऑटोसोम होगा और एक पेयर ऑफ एलोसोम होगा। फिर 83 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, जीनोटाइप ऑफ मेल प्लांट इज कैपिटल टी एंड द जीनोटाइप ऑफ फीमेल प्लांट इज स्मॉल टी, व्हाट वुड बी द जीनोटाइप ऑफ इंडोस्पर्म। तो इंडोस्पर्म की जीनोटाइप की अगर बात की जाए तो आपको क्या मिल जाएगा, ये ट्रिप्लोइड होता है, तो ये का क्या हो जाएगा, कैपिटल टी और दो स्मॉल टी आपका आपका आ जाएगा इसमें। 84 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, विच विथ रिस्पेक्ट टू द ए बी ओ ब्लड ग्रुप देयर आर फोर मेजर टाइप ब्लड, ये टाइप बिकॉज ऑफ ब्लड ग्रुप इज डिटरमाइंड बाई, तो ब्लड ग्रुप कैसे डिटरमाइंड होता है, तीन एलेल होता है ऑफ विच दो आर कोडोमिनेंट होगा और थर्ड जो है रिसेसिव एलील आपका होता है। ये आप डायग्राम देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट यूज इन ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस, ये आपको दिखा रहा है मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स जो है, क्लोज रिलेटिव फैमिली को बोल सकते हैं हम लोग, ये आपका फर्स्ट सही है। ये फीमेल का डायग्राम है, ये थर्ड जो है मेल का डायग्राम है, और ये क्या कहते हैं अनआइडेंटिफाइड जिसको हम लोग बोलते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, बायोरिएक्टर है तो बायोरिएक्टर में क्या होगा, फोम कंट्रोल सिस्टम होगा, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होगा, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होगा, पीएच कंट्रोल सिस्टम होगा, सारा का सारा होगा इसमें। 87 नंबर क्वेश्चन को देखें, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर, पीसीआर का क्या एप्लीकेशन नहीं है, तो डिटेक्शन ऑफ वेरी लो कंसेंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया और वायरस ये करता है पीसीआर, डिटेक्शन ऑफ म्यूटेशन इन जीन इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट ये भी करता है, एम्पलीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट ये भी करता है, डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडी सिंथेसाइज अगेंस्ट पैथोजन ये आपका पीसीआर नहीं करता है। 88 नंबर क्वेश्चन को देखें, ह्यूमलिन इज, तो ह्यूमलिन जो है ह्यूमन इंसुलिन को हम लोग बोलते हैं, और कहां से वो सिंथेसाइज किया गया था, ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड इकोलाई से किया गया था। फिर 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी रिकॉम्बिनेंट ट्रॉपिक थेरापीटिक्स हैव बीन अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज फॉर ऑल ओवर वर्ल्ड, तो अप्रोक्सीमेटली 30 थेरापीटिक्स को अप्रूव किया गया है, जो कि इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 12 जो है मार्क्ड है, मार्केटेड किया जाता है, मार्केटिंग किया जाता है उसका। फिर 90 नंबर क्वेश्चन को देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मिसमैच, तो मलेरिया जो है एनोफिलीज मॉस्क्यूटो इसका कॉजेटिव एजेंट है, एनोफिलीज मॉस्क्यूटो इसका कॉजेटिंग एजेंट नहीं है। अब देखिए हम लोग केमिस्ट्री को डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट विच इज जस्ट बिलो द एबव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, तो ये इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 33 इसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन द मोनोकीटो कंपाउंड जनरली विथ फॉर्म ऑफ टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर इज मोस्ट स्टेबल अदर देन, ये कीटो आइसोमर जो है मोर स्टेबल होता है इनॉल से। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, केमिकल रिएक्शन इसमें आपको क्या बताना है, तो ये आपका देखिए ये क्या प्रोडक्ट बना देगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना देगा, या और जो है यहाँ पे फिर क्या बना देगा, बेंजो नाइट्राइल बना देगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखिए, वैनेसिंग क्रीम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये किसका एग्जाम्पल है, इमल्सन का एग्जाम्पल है, ठीक है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज गिव्स, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज क्या देगा, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज और फ्रुक्टोज देगा, ठीक है। सिक्स नंबर क्वेश्चन, नेचर ऑफ 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल इज, तो ये हाईली एसिडिक होता है, तो ये एसिडिक नेचर का आपका हो जाएगा। सेवन नंबर क्वेश्चन देखिए, CH3CH2COOH को Cl2 से रिएक्शन किए और रेड फॉस्फोरस से रिएक्शन किए, तो उसके बाद एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन किए, तो ये क्या बना देगा, तो यहाँ पे देखिए आप लोग रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा, और उसके बाद ये एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराए तो वहाँ से वाटर निकाल देगा, और यहाँ से आपको जो है इस तरह का प्रोडक्ट HCl निकाल देगा और आपका जो है एक्राइलिक एसिड बना देगा। सेवन नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रेसिपिटेट ऑफ विद द फॉलोइंग वुड बी ऑब्टेन्ड व्हेन HCl इज एडेड टू द सॉल्यूशन स्टेनस सल्फाइड SnS इन अमोनियम सल्फेट, तो SnS2 बना देगा आपका। नाइन नंबर क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग इज नॉट बायो बायोपॉलीमर, तो नाइलॉन 6 जो है बायोपॉलीमर नहीं है, बाकी जितना भी है सब बायोपॉलीमर है, वो नाइलॉन 6 सिंथेटिक होता है। फॉर अ रिएक्शन टेम्परेचर इंक्रीज बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड द इक्विडियम विल बी अटेंड फास्टर बाय, ये दो टाइम्स जो है इक्विडियम हो जाएगा आपको फास्टर। द जनरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लो एल्केन इज, तो CnH2 जो है आपका साइक्लो एल्केन का फॉर्मूला हो जाएगा।
12 नंबर क्वेश्चन है, द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ NiOH का होल ट्वाइस इज 1.9 इनटू 10 टू पावर माइनस 15, द मॉलिक्यूलर सॉल्युबिलिटी NiOH का होल ट्वाइस कितना दिया, 1 m दिया हुआ है NiOH, तो इसका हम लोग निकालेंगे तो 1.9 इनटू 10 टू पावर माइनस 15 बाई 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 1.9 इनटू 10 टू पावर माइनस 15 आ जाएगा। फिर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, द लेवाइस बेस, तो लेवाइस बेस क्या हो जाएगा, NH3 जो है लेवाइस बेस है आपका। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच द फॉलोइंग ग्राफ ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिकुलर वेलोसिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का अगर हम लोग ऑर्डर देखें तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाए, T3 का, उसके बाद T2 का, उसके बाद T1 का। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ C3H9N कैन नॉट रिप्रेजेंट, तो ये क्या रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है, ये आपका क्वार्टरनरी साल्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। फिर 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिनरल फॉर टीन, तो कैसीटेराइट जो है आपका टीन का होता है। यहाँ पे देखिए आपका अलग अलग मिनरल और उसका फॉर्मूला दिया हुआ, जैसे गैलेना जो है PbS हो जाए, सीरोराइट जो है आपका PbCO3 हो जाए, कैसीटेराइट जो है SnO2 हो जाएगा, एंजल साइड जो है आपका क्या हो जाए, PbSO4 हो जाएगा। फिर 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, द रिएक्शन ए प्लस बी जो है क्या दे रहा है, सी प्लस डी और प्लस क्यू दे रहा है, इफ़ फाउंड टू हैव अ पॉजिटिव एंट्रोपिक एनर्जी द रिएक्शन विल बी, तो रिएक्शन क्या होगा, पॉसिबल जो है कोई भी टेम्परेचर पे हो सकता है, यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज IUPAC नंबर ऑफ द कंपाउंड, IUPAC अगर नेम इसका बोला जाए तो नॉन टू इन वन अल, ये कॉकरोच रिपेलेंट आपका होता है, फाउंड जो है कहाँ पे पाया जाता है, कुकुम्बर में पाया जाता है। फिर आपका 19 नंबर क्वेश्चन देता है, स्टीरियो के नॉन स्टीच्योमेट्रिक कॉपर क्यूपरस ऑक्साइड CuO2 कैन बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, इन दिस ऑक्साइड कॉपर टू ऑक्सीजन रेशियो इज स्लाइटली लेस देन 2:1 द सबस्टांस इज, तो आपका क्या हो जाए, पी टाइप सेमीकंडक्टर आपका हो जाएगा। फिर 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, क्या बोल रहा है, मार्बल एक्ट एज अ सिंक फॉर, तो ये एसिड पॉल्यूशन के लिए जो है सिंक आपका मार्बल काम करेगा। 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इन द रिएक्शन प्रोडक्ट पी, तो पी का आपको बताना है, तो यहाँ पे पी जो है क्या बन जाएगा, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन 3D ऑर्बिटल ऑफ टेट्राहेड्रल K2NiCl4, तो इसमें कितना 8 इलेक्ट्रॉन आपको पाया जा रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, आपको ये दिया हुआ है CH3, CH2, 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 Br, और उससे क्या बोल रहा है, अल्कोहलिक ये कोए से रिएक्शन करा रहे हैं, फिर HBr, तो अल्कोहलिक कोए से रिएक्शन कराएंगे तो आपको इस टाइप से बना देगा, डबल बॉन्ड ला देगा, और HBr से रिएक्शन कराएंगे तो H+Br- में टूटेगा, फिर अल्कोहलिक कोए से फिर रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या करेगा, Br के जगह पे OH को ऐड कर देगा। 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, आपको ये ये प्रोडक्ट ये रिएक्शन है और आपका इसको हम लोग कराएंगे तो क्या आ जाएगा, इस तरह से आपको रिएक्शन दे देगा, ये आपका जो है सिंपली अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। फिर 25 नंबर क्वेश्चन को देखें, विच ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल इज एसोसिएटेड विथ कैटालिटिक एक्टिविटी, तो ये क्या होता है, इसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। विच ऑफ फॉलोइंग हैलोजन कैन नॉट फॉर्म ऑक्सो एसिड, तो फ्लोरीन जो है एक से अधिक ऑक्सो एसिड नहीं बना सकता है। फिर अगर बात की जाए, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलेटाइल देन द पारानाइट्रोफिनॉल, क्यों होता है, क्योंकि इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में, लेकिन पारानाइट्रोफिनॉल में नहीं होता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंट्रामॉलिकुलर और इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, पेनिसिलिन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, तो फ्लेमिंग के द्वारा डिस्कवर किया गया था 1929 में। फिर बोल रहा है प्रोपाइन एंड प्रोपीन कैन बी डिस्टिंग्विश बाय, तो ये किससे डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से आपको डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। 20.8 ग्राम ऑफ BaCl2 ऑन रिएक्शन विथ 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रोड्यूस 7.3 ग्राम ऑफ HCl एंड सेम अमाउंट ऑफ BaSO4, द अमाउंट ऑफ BaSO4 इज, तो यहाँ से हम लोग निकालें तो 23.3 ग्राम ऑफ BaSO4 आपको मिल जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखें, द वॉल्यूम ऑफ द 0.1 नॉर्मल डायबेसिक एसिड सफिशियंट टू न्यूट्रलाइज 1 ग्राम ऑफ बेस दैट फर्निश 0.04 मोल ऑफ OH- इन द एक्व सोल्यूशन इज, तो ये कितना हो जाए, 200 ml आपका आंसर आ जाए। N1V1 इजिकल टू N2V2 से आप लोग निकाल सकते हैं। द रिलेशन से बिटवीन द एनर्जी ई ऑफ द वेवलेंथ 200 एंगस्ट्रम एंड 2000 एंगस्ट्रम एंड 8000 एंगस्ट्रम रिस्पेक्टिवली, तो यहाँ से अगर आप लोग निकालें E1:E2 का जो है lambda 2 by lambda 1 का रेशियो में आ जाएगा, तो इसका क्या E1 = 42 आ जाएगा आंसर।
फिर आप लोग 33 नंबर क्वेश्चन देखे थे, सिल्वर कप इज प्लेटेड विद द सिल्वर बाई पासिंग 965 ये सी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द फाउंड द अमाउंट ऑफ इजी डिपॉजिटेड इज, तो आप लोग यहां से निकालेंगे तो 1.08 ग्राम आपका आ जाएगा आंसर। 34 नंबर को तो मेंशन वेदर द इंक्रीज प्रेशर विच काउज रिडक्शन ऑफ गो इनटू फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन यूजिंग बी द बैकवर्ड एंड एफ जो है फॉरवर्ड एन जो है नो चेंज आपको बताएगा, तो आपको बताना है इसमें क्या होगा। तो इसको अच्छे से आप लोग देखिएगा, बी जो फर्स्ट जो है बैकवर्ड जाएगा, उसके बाद सेकेंड जो है नो चेंज होगा, थर्ड में आपका बैकवर्ड जाएगा, फिर ये फोर्थ में आपका क्या होगा फॉरवर्ड होगा, फिर फिफ्थ में जो है आपका बैकवर्ड जाएगा और सिक्स्थ में आपका जो है फिर ये बैकवर्ड जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 35 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ई ए एन ऑफ क्रोमियम इन सी आर एन एच थ्री का होल सिक्स और इसका क्या बोल रहा है सी आई थ्री इज, तो इसमें क्या हो जाएगा 33 आपका ई ए एन आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपका आ जाएगा। फिर 36 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड इज वाइडली यूज एज, तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तरह यूज किया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, विद ऑफ फॉलोइंग मॉलिकल सिग्निफिकेंट आपका म्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो, तो म्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो किस में हो जाएगा आपका सी और डी में आपका हो जाएगा, क्यों होता है वो भी आप देख सकते हैं क्यों होता है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन को देखें, नॉन आइडियल सॉल्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 30 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड 50 ml ऑफ एसीटोन, द वॉल्यूम ऑफ मिक्सर विल बी, तो वॉल्यूम ऑफ मिक्सर जो है आपका लेस देन 80 ml होगा। फिर आपका देखिए 39 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, सॉलिड N2O5 जो है क्या होता है, ये आयोनिक होता है सॉलिड N2O5 जो है। 40 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, द कंसीडर एन आयन विच द विथ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, फॉर एन आयन वी कैन डिफाइन टू प्लेन, वन प्लेन कंटेनिंग HCH ग्रुप एंड अदर प्लेन जो है HNH ग्रुप, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द दिस प्लेन, तो अगर इसका बात किया जाए तो ये जो है परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, द यूनिट ऑफ द रेट ये ऑफ द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बात किया जाए तो लीटर पर मोल पर ये टाइम हो जाएगा आपका। 42 नंबर क्वेश्चन, द गोल्ड नंबर ऑफ द लायोफिलिक ये सब सॉल इज सच अ प्रॉपर्टी डैट, इसमें क्या होता है कि द वैल्यू द लोअर इट्स वैल्यू द ग्रेटर द प्रोटेक्टिंग पावर आपका हो है, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, फॉर द गिवन रिएक्शन डेल्टा एच कितना दिया हुआ, 35.5 दिया हुआ है किलो जूल पर मोल, और डेल्टा एच का वैल्यू दिया है 83.6 जो है जूल पर केल्विन पर मोल, द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगा जब टी जो है आपका 425 केल्विन से ज़्यादा होगा। 44 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हाइड्रोजन परऑक्साइड कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है आपको सी में एक्ट कर रहा है आप लोग देख सकते हैं। फिर आपका इसके बाद देखेंगे 45 लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे, एमॉन्ग एन ओ टू प्लस के ओ टू एन एन टू एन ए टू ओ टू एन ए एन ए ए एल ओ टू द पारा मैग्नेटिज्म एग्जिस्ट इन, तो पारा मैग्नेटिज्म जो है के ओ टू आपका पारा मैग्नेटिक होता है आप लोग यहाँ देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग फिजिक्स डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ टू द लाइमन सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज टू द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द पाश्चन सीरीज इज, तो इसका कितना आ जाएगा 7:108 आ जाएगा। फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन, व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम द लेवल एन इज इक्वल टू 4 टू एन इज इक्वल टू 1 द मोमेंटम ऑफ द रिकॉइल्ड हाइड्रोजन एटम विल बी 6.8 × 10⁻²⁷ केजी पर केजी ये मीटर पर सेकेंड आ जाएगा आपका। फिर 3 नंबर क्वेश्चन, ब्लॉक इज हैंगिंग फ्रॉम द वर्टिकल स्प्रिंग एंड इट इज एट रेस्ट, ब्लॉक बी स्ट्राइक फॉर द ब्लॉक ए एंड द वेलोसिटी वी एंड स्ट्राइक टू इट, द वैल्यू ऑफ द वी फॉर विच द स्प्रिंग विल अटेन द नेचुरल लेंथ, तो आपका कितना आ जाएगा इसमें √6mg²/k आप लोग यहां से निकाल सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, द बार ऑफ मास एम एंड लेंथ एल इज हैंगिंग फ्रॉम पॉइंट ए एज शोन इन द फिगर, इफ द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द बार इज वाई एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज ए, देन द इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू इट्स ऑन वेट विल बी, तो अगर हम लोग इसको निकालें तो कितना आ जाएगा हमारा ये डेल्टा एल जो है कितना आ जाएगा mgL/2ay आपका आ जाएगा।
फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेजिस्टेंस एक्स इन द सर्किट शोन इन द गिवन फिगर व्हेन नो करंट फ्लो थ्रू 5 ओम रेजिस्टर, तो आपका क्या बोल रहा है, एक्स का कितना वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स आपको बताना है, ठीक है। तो अगर करंट फ्लो नहीं करेगा तो इसका कितना आ जाएगा, 6 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, इफ द एक्सटेंशन ऑफ बोथ द स्प्रिंग इंक्रीज फ्रॉम एक्स टू एक्स नॉट ऑन द ये फ्लोइंग करंट आई इन द रॉड फ्रॉम बी टू ए, देन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी, तो मैग्नेटिक फील्ड की अगर वैल्यू की बात की जाए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एम जी इंटू एक्स नॉट माइनस एक्स बाई आई एल एक्स नॉट आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं। सेवन नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ई द इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम ई इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, द डिस्टेंस ट्रेवल बाई इलेक्ट्रॉन इन टाइम टी इज, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, एस इजिकल टू हाफ ए टी स्क्वायर से हम लोग निकालेंगे तो हाफ ई स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई बाई स्मॉल एम इंटू टी स्क्वायर आपका। एट नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज यूज ऑन 1000 वोल्ट लाइन टू डिलीवर 20 एम्पियर एंड 120 वोल्ट टू एट द सेकेंडरी कॉइल, इफ द इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर जो है 80% है, द करंट ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इज, तो करंट अगर हम निकालें आईपी का वैल्यू हम लोग निकालें तो यहाँ पे 3 एम्पियर आपका आ जाएगा। नाइन नंबर क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ टेम्परेचर ऑफ द सन एंड द मून इफ द वेवलेंथ ऑफ देयर मैक्सिमम इमिशन रेडिएशन रेट आर 140 और 4200 एंगस्ट्रम, तो आपको निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग निकाले टेम्परेचर का रेशियो तो 30:1 आपका आ जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट इन एन एसी सर्किट कंटेनिंग अ रेसिस्टर एंड द इंडक्टर इज इन सीरीज इज एक्स फाई नॉट फाई वन, व्हेन द इंडक्टर इज रिप्लेस्ड बाई कैपेसिटर द फेज डिफरेंस इज चेंज टू फाई टू, द फेज डिफरेंस व्हेन ऑल द 3 एलिमेंट आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द सेम एसी सोर्स विल बी, तो टेन इनवर्स इसका करेक्ट आंसर जो है क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स इंटू टेन फाई वन माइनस टेन फाई टू आप लोग निकाल सकते हैं। फिर क्या है, 11th नंबर, ओ ए बी सी इज करंट कैरिंग स्क्वायर लूप, इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप अलोंग विथ इट्स डायगोनल ए सी एस सोन, द वेक्टर यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन इज, तो वेक्टर यूनिट कितना आ जाएगा, माइनस आई कैप प्लस जे कैप का रूट अंडर 2, यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन को देखें, द प्रोजेक्टाइल थ्रोन इन द सेम पॉइंट एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल अटेन द सेम हाइट, द रेशियो ऑफ देयर इनिशियल वेलोसिटी का रेशियो अगर निकालें हम लोग तो कितना आ जाएगा, v1:v2 जो है 1:√3 आ जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन को देख, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी एट द हाइट ऑफ 1/20 ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ अबव द अर्थ सर्फेस इज 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट्स वैल्यू एट द पॉइंट इक्वल टू एट द पॉइंट एंड इक्वल डिस्टेंस बिलो द सर्फेस ऑफ अर्थ इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज अबाउट, तो यहाँ पे क्या हम लोग का आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम लोग निकालें तो जी डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन को देखें, रेडियो एक्टिव सैंपल एट द एनी इंस्टेंट हैज डिसइंटीग्रेशन रेट कितना दिया हुआ है, 5000 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट, आफ्टर 5 मिनट द रेट इज 1250 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट, देन द डीके कॉन्स्टेंट पर मिनट इज, डीके कॉन्स्टेंट की बात की जाए तो यहाँ पे आपका क्या आ जा रहा है, लेमडा इज इक्वल टू 0.4 ln2 आपका आ जाएगा आंसर। फिर 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, द वेवलेंथ लैम्डा एम इज इक्वल टू 5.5 × 10⁻⁷ एम व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सन इज 5500 केल्विन, इफ द ये फर्नेस हैज अ वेवलेंथ लैम्डा एम इक्वल टू 11 × 10⁻⁷ एम देन द टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस इज, टेम्परेचर ऑफ फर्नेस अगर हम लोग निकालें तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 2750 केल्विन आपका आ जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, द वेरिएशन ऑफ द फोटो करंट विद द कंडक्टर पोटेंशियल फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द incident radiation v1 v2 v3 is shown in the graph, then तो क्या हो जाएगा, v3 सबसे ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद v2 हो जाएगा, उसके बाद v1 आपका हो जाएगा।
फिर 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, एन आइडियल गैस इज इनिशियली एट टेम्परेचर टी एंड द वॉल्यूम वी, इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाई डेल्टा वी ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, द प्रेशर रिमेंस कॉन्स्टेंट, द क्वालिटी डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा वी डेल्टा टी, वेर इज द टेम्परेचर। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाए, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से आप इसको निकाल सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, द गैस हैज कैन बी टेकन फ्रॉम ए टू बी वाया टू डिफरेंट प्रोसेस ए सी बी एंड ए डी बी, फिर आपका देखिए विच पाथ ए सी डी, वेन पाथ ए सी डी यूज 60 जूल ऑफ हीट जो है फ्लो इन सिस्टम एंड 30 जूल ऑफ वर्क इज डन बाई द सिस्टम, इफ द पाथ ए डी बी इज वर्क डन बाय द सिस्टम कितना हो रहा है 10 जूल, द हीट फ्लो इन द सिस्टम इन द पाथ ए डी बी का निकालना है। तो अगर हम लोग निकालें तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, ये 40 जूल आपका हीट फ्लो आ जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, द ट्रक ऑफ मास ये 10 मैट्रिक टन रन एट 3 मीटर पर सेकेंड along the ये level track and collides with loaded truck of mass 20 metric ton standing at rest, if the truck couple together the common speed after the collision is, तो ये कितना हो जाएगा 1 meter per second square आपका आ जाएगा, यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए, थ्री फ्लेक्सिबल वायर ऑफ लेंथ एल इज कनेक्टेड टू द टू एडजेसेंट पॉइंट एंड कैरी करेंट आई इन द क्लॉक वाइज डायरेक्शन एज सोन इन द फिगर, वेन द सिस्टम इज पुट इन यूनिफॉर्म एंड इट फिल्ड विद स्ट्रेंथ बी गोइंग टू द प्लेन ऑफ द पेपर, द वायर टेक शेप ऑफ द सर्किल, द टेंशन इन द वायर इज, टेंशन की अगर बात की जाए तो आई बी एल बाई 2 pi आपका आ जाएगा, यहां से आप लोग टेंशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड एडियाबेटिकली सच दैट द टेम्परेचर टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√V हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ गामा कितना दिया हुआ है, सीपी बाई सीबी ऑफ द निकालना है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 1.50 आपका गामा का वैल्यू आ जा रहा है, आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, द सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ डायमीटर 0.1 mm कैरीज अ करंट ऑफ 90 mA, द करंट डेंसिटी इन एम्पियर पर सेकेंड स्क्वायर इज, पाई का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 3 आप लोग यहाँ पे मान सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग निकालें तो कितना आ जाएगा 1.2 × 10⁻⁷ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। फिर 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, क्या बोल रहा है, इन एन एसी सर्किट द करंट इज 3 एम्पियर एंड द वोल्टेज जो है 210 वोल्ट दिया हुआ है, द पावर कितना दिया हुआ है 63 वाट दिया हुआ है, द पावर फैक्टर को आप लोगों को निकालना है, तो पावर फैक्टर आप लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0.1 आ जाएगा। फिर 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, हाफ अपर हाफ ऑफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा इज परफेक्टली स्मूथ वाइल द लोअर हाफ इज रफ, द बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप कम फ्रॉम कम बैक टू द रेस्ट एट द बॉटम इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फ्रॉम द हाफ ये लोअर हाफ इज गिवन बाई, तो कोफिशिएंट फ्रिक्शन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू 210 थीटा आपका आ जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंजर्वेटिव सिस्टम इज गिवन बाई यू इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, और ए और बी जो है पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है, लॉ ऑफ द फॉर्मिंग गवर्निंग द सिस्टम इज, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी माइनस 2 ax आपका आंसर आ जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, स्टार्टिंग विथ अ सैंपल ऑफ प्योर कॉपर 7/8 ऑफ इट्स ये डिकेज इनटू जिंक इन 15 मिनट, द कॉरस्पॉन्डिंग हाफ लाइफ का अगर बात की जाए किया जाए तो हाफ लाइफ जो है आपका कितना आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 5 मिनट आ जाएगा। फिर आप 27 नंबर क्वेश्चन, द एंड ऑफ रॉड ऑफ लेंथ एल एंड ये मास एम आर अटैच टू टू आइडेंटिकल स्प्रिंग एज सोन इन फिगर, फिगर को देखिए आप लोग, द रॉड इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स ये सेंटर ओ, द रॉड इज डिप्रेस्ड स्लाइटली एट द एंड ए एंड रिलीज्ड, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आपको निकालना है, तो टाइम पीरियड की बात की जाए तो यहाँ पे पाई इंटू क्या आ जाएगा, रूट अंडर 2m/3 के आपका आ जाएगा। फिर 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, पेंडुलम हैज़ मैक्सिमम कैनेटिक एनर्जी K1 इफ द लेंथ इज डबल कीपिंग द एम्पलीट्यूड सेम, देन द मैक्सिमम कैनेटिक एनर्जी बिकम K2, देन द रिलेशन बिटवीन K1 और K2 के बीच में रिलेशनशिप निकालना है, तो K2 इज इक्वल टू 2K1 आपका आ जाएगा इससे आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन को देखिए, फोटो सेल इज इल्यूमिनेटेड बाय द स्मॉल ब्राइट ये सोर्स प्लेस्ड 1 meter अवे, व्हेन द सेम सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड 1/2 meter अवे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड इन फोटो कैथोड वुड, तो ये कितना हो जाएगा आपका, क्या आ जाएगा,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड जो है इंक्रीज बाई फैक्टर 4 से आपका इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ पे देखिए 4:1 आपका आ रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन को, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ ए जो है 7 और 6 रिस्पेक्टिवली, आल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ ए प्लस बी जो है कितना दे रहा है 11 और 9 रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर वी का आपको निकालना है। तो वैक्टर वी का अगर हम मैग्नीट्यूड यहाँ से निकालें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इफ द वर्क done in the blowing a bubble of a volume V is W, then the work done in blowing a bubble of 2V from the same soap will be, तो यहां से हम लोग निकालें तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये आपका D option आ जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सर्टेन पॉइंट फ्रॉम द ये सरफेस ऑफ प्लैनेट एट अ सर्टेन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस, द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एक्स एंड वाई वेरी विद द टाइम टी इन सेकंड, एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 10√3t एंड वाई इज इक्वल टू 10t माइनस ये टी स्क्वायर, द मैक्सिमम लेंथ अटेंड बाई द बॉल इज, तो मैक्सिमम लेंथ की बात की जाए तो यहाँ पे 25 मीटर आपका आ जाएगा। फिर 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, बॉडी ऑफ मास 8 kg is suspended through two light spring x and y connected in series as shown in figure, the reading of x and y का आपको बताना है। तो x and y का रीडिंग अगर हम लोग देखें तो 8 kg और 8 kg सेम रीडिंग आपका आएगा। फिर 34 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, द टू सर्फेस ऑफ बायोकॉन्केव लेंस हैव सेम रेडियाई ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, द लेंस इज मेड ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना देखो 1.5 दिया हुआ है, अब फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, द लेंस इज कट इन टू 2 equal halves अलॉन्ग द ये प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इल्ड टू प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस टू पीस ऑफ ग्लूड सच दैट द कॉन्वेक्स लेंस टच ईच अदर इफ द कॉम्बिनेशन लेंस इज इमर्ज इन वाटर, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 4:3 दिया हुआ है, इधर फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, तो आप लोग यहां से निकालेंगे अगर तो फोकल लेंथ की वैल्यू का 40 सेंटीमीटर आपको आ जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अटैच टू द स्प्रिंग एंड एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाई एक्स इज इक्वल टू 2 × 10⁻²⁻ कॉस पाई टी द टाइम एट विच मैक्सिमम स्पीड फर्स्ट ऑकर इज, तो टाइम का वैल्यू हम लोग निकालें तो यहाँ पे 0.5 सेकंड आपका आ जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्प्रिंग ऑफ मास एम एंड रेडियस आर इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द इंक्लाइन प्लेन ऑफ द इंक्लिनेशन थीटा, द मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेन एंड द स्फीयर सो दैट इट रोल डाउन द प्लेन विदाउट स्लाइडिंग इज गिवन बाय, तो म्यू का वैल्यू इसका यहां पे आ जाएगा 2/7 tan θ आ जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इफ द सर्किट बिलो ए एंड बी रिप्रेजेंट टू इनपुट एंड ये सी रिप्रेजेंट द आउटपुट सर्किट रिप्रेजेंट, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, और गेट ये रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर 38 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इफ़ अ रे ट्रैवलिंग इन डायरेक्शन 1/2 आई कैप प्लस √3j इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन, द रे ट्रैवल अलॉन्ग द डायरेक्शन √3j, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यहाँ पे 60 डिग्री आ जाएगा, तो यहाँ से आप लोग 60 डिग्री निकाल सकते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, अ फोर्स एफ इज इक्वल टू अल्फा आई कैप प्लस 3j प्लस 6k इज एक्टिंग एट द पॉइंट आर इज इक्वल टू 2i-6j और 12k, तो वैल्यू ऑफ अल्फा आपको निकालना है, तो यहाँ से वैल्यू ऑफ अल्फा कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, विद द फॉलोइंग है सेम डायमेंशन, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी का जो है सेम डायमेंशन होगा। 41 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, प्रेशर ऑफ द आइडियल गैस इज इंक्रीज बाय कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा कि चेंज नहीं होगा, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन, रजिस्टर ऑफ 10 ये किलो ओम इज हैविंग टॉलरेंस 10% इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अनदर रजिस्टर जो है 20 किलो ओम हैविंग टॉलरेंस जो है 20%, द टॉलरेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी अप्रॉक्सीमेटली, तो यहाँ पे आपको 17% आपका आंसर आ जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोनोमीटर वायर इज एन, इफ द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द वायर आर डबल कीप द टेंशन सेम देन द न्यू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की अगर बात की जाए तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, N/4 आ जाए, फ्रीक्वेंसी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/LD आता है, लेंथ और डायमीटर के आपको होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। 44 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ट्यूनिंग पावर फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 200 हर्ट्ज इज इन
यूनिसॉन एंड अ सोनोमीटर वायर, टेंशन इन द वायर इज ऑफ सोनोमीटर इज इंक्रीज बाई 1% विदाउट द चेंजिंग इट्स लेंथ, फाइंड द नंबर ऑफ बीट्स हियर्ड इन 9 सेकेंड। तो अगर हम नंबर ऑफ बीट की बात करें तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9 सेकेंड में, आपका 9 बीट आपका आ जाएगा। 45 और लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है हमेशा पॉजिटिव होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन जो है हमेशा पॉजिटिव होगा।